नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम है आपका अपने ही चैनल में, और आगरा की ठंडी ठंडी मॉर्निंग के साथ आपका वेलकम कर रही हूँ, और ब्यूटीफुल थॉट के साथ। जिस समय आप किसी का अपमान कर रहे होते हैं, दरअसल उस समय आप अपना ही सम्मान खो रहे होते हैं। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने मत देना। खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा थॉट कमेंट्स कर जरूर बताना। और देखिए, मान और सम्मान की लड़ाई में मुझे नहीं लगता कोई जीत पाता है, और लाइफ में बस कॉम्प्रोमाइज कर ही हमें चलते रहना पड़ता है, और जो मान सम्मान की लड़ाई है वो अपनी जगह चलती ही रहती है। देखिए, बड़े हो चाहे छोटे, हर कोई चाहता है उनको उनका सम्मान मिले, तो वो चीज़ मैं भी चाहती हूँ। और कई बार ऐसा होता है ना, आपके डियरेस्ट नियरेस्ट जो होते हैं ना, उन्हीं लोग आपको है ना ऐसा चोट पहुँचा देते हैं कि मन में फिर उनके लिए ना रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाता है। फिर मेरे साथ अगर ऐसा होता है ना, जब भी फ्रेंड्स, मैं रियली अपने दिल की बात बता रही हूँ, जब कोई मेरे साथ ऐसा करता है ना, मैं एक मौका देती हूँ, दो मौका देती हूँ, तीसरा मौका मैं है ना किसी को नहीं देती हूँ। मैं लास्ट में ऑप्शन, मैं किसी से लड़ने भी नहीं जाती हूँ। लास्ट ऑप्शन ये होता है, मैं उसके लाइफ से हट जाती हूँ। इट मीन्स मैं उनसे बिल्कुल बायकॉट कर लेती हूँ, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं रहता है। और मैंने ऐसा किया है, और मुझे पसंद नहीं आता है कि मैं फिर ज़बरदस्ती घुसूँ उनमें, क्योंकि वो जब मेरे साथ इस तरीके का बिहेवियर करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, और मैं ज़्यादा ये सब ना देख नहीं सकती, तो इससे अच्छा मैं खुद ही साइड हो जाती हूँ। इससे क्या होता है, अपनी लाइफ भी हैप्पी चलती है, अच्छे से रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं। तो मैं ना कभी भी अपने लाइफ में टेंशन नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल आराम से रहना चाहती हूँ कोई भी। और वैसे भी मैं ना ज़्यादा ये है ना जो डियरेस्ट नियरेस्ट लोगों के बीच में फंसना भी नहीं चाहती हूँ। मैं बहुत लिमिटेड लोगों के साथ ही रहना पसंद करती हूँ, और अपने में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, अपने लिए करना, अपनी फैमिली के लिए करना। देखिए, आपकी फैमिली जो होती है ना, आपके पेरेंट्स होते हैं, आपका अपना फैमिली जो होता है, हस्बैंड बच्चे यही होते हैं, बाकी जितने लोग होते हैं ना आपके आसपास के, वो कोई भी ना आपका भला नहीं चाहते हैं। वो तो बस आपको अगर अच्छा भी देख लेना तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है। और ये बात मैं सच कह रही हूँ कि नहीं, आप मुझे बताना। और ये मुझे लगता है हर किसी के साथ ही ऐसा होता है। कोई भी आजकल पता नहीं क्यों लोग इतने बदल से गए हैं कि लोग ना दूसरे का अच्छा नहीं देखना चाहते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आप कभी किसी से भी, जैसे आप मिलते हो, बहुत प्यार से जाते हो, मिलने जाते हो, जो भी करते हो, और सामने वाला का बिहेवियर इग्नोरेंस वाला जब दिखता है ना, तो बहुत बुरा लग जाता है, बहुत हर्ट होता है। तो उस कंडीशन में क्या लगता है कि भाई सामने वाले को इंटरेस्ट ही नहीं है और हम उस पर ज़बरदस्ती हावी हो रहे हैं, तो वो चीज़ ना मुझे बहुत बुरा लगता है। और मैंने ये जब ऐसा कुछ फेस करती हूँ ना, तो मुझे ये लगता है कि यार अब नेक्स्ट टाइम ये मौका ही नहीं आने दूंगी कि है ना मुझे इग्नोर फील हो। तो आगे से मैं उनसे है ना मिलना जुलना भी बंद कर देती हूँ। बस मेरा तो यही मानना है, मान सम्मान जो है ना, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ सामने वाले की, पर जब अपना मान सम्मान की बात आती है ना, तो फिर तो मैं चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, मैं किसी का नहीं सुनती हूँ, मैं अपनी मर्जी करती हूँ और फिर बस अपने हिसाब से चलती हूँ मैं अपने लाइफ में। तो फ्रेंड, चलिए, इस टॉपिक में बहुत सीरियस मुद्दे में हमारी बहुत सारी बातें हो गई। वैसे आप भी मुझे कमेंट्स कर बताएं कि आपका क्या थॉट है इस टॉपिक पे, आप कैसा रिएक्ट करते हो अगर आपको कोई ऐसा सिचुएशन मिल जाता है। तो मैं तो बिल्कुल बायकॉट कर लेती हूँ उस पर्सन से, तो आप क्या करते हो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। हो सकता है मुझे आपका सजेशन अच्छा लगे, तो वो नेक्स्ट टाइम मैं भी यूज़ करूँ वैसा जो आप करते हो, जो अपना थॉट मुझे ज़रूर शेयर करना। तो देखिए, यहाँ पे अब चलिए उस बात को छोड़ते हैं, अब हम मैं बता रही हूँ, यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ और खाना बना रही हूँ, अपना लंच की तैयारी कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे पीहू कहाँ है, तो पीहू गई हुई है स्कूल, क्योंकि आगरा में ठंड बहुत पड़ रही है। बाहर मैंने दिखाया ना, बाहर जो वेदर था स्टार्टिंग में, आज बहुत ही फॉगी वेदर था, 3 दिन से कंटिन्यू बारिश, ऊपर से इतनी ठंड, पूरा हालत ख़राब है, और बहुत ठंडी थी। आज पीहू को जाने का भी मन नहीं कर रहा था,
पर मैंने बोला पीहू जाओ क्योंकि तुम्हारा एग्ज़ाम चल रहा है, टेस्ट चल रहा है, UT4 उसका चल रहा है, यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, तो आज सेकेंड पेपर था तो उसका एबसेंट भी नहीं करा सकती थी। अगर नहीं होता ना तो वाकई में मैं छुट्टी करवा देती, ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और ऊपर से बारिश भी हो रही है ना, तो वो बहुत बेकार लग रहा है। तो मैंने सोचा करके चलो अब आज भेज देती हूँ। और 26 जैन है कल, यानी बसंत पंचमी भी है और 26 जनवरी भी है, तो उसका छुट्टी मिलेगा शायद मे भी। और अगर छुट्टी ना भी हो, एक्टिविटी भी हो, तो मैं पीहू को नहीं भेजूंगी कल, घर पे ही पूजा उजा करेंगे बसंत पंचमी का, अपना सरस्वती पूजा करवाऊंगी उसे, तो बस इसीलिए मैं है ना उसे आज भेज दी। चलो एक दिन और मैनेज कर लेंगे, फिर कल आराम करेगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने लंच की तैयारी। मैंने ना मॉर्निंग में सब्जी बनाया था तो ज़्यादा बना लिया था, रख लिया था, क्योंकि अकेले मैं दोपहर के लिए क्या बनाती हूँ। और उधर कुकर में मैं बना रही हूँ पीहू के लिए राजमा, क्योंकि पीहू को राजमा खाने का मन था, राजमा चावल। दूध यहाँ मैंने बॉईल कर लिया, दूध वाले आए थे तो मैंने दूध उस समय बॉईल नहीं किया था, तो अभी चढ़ाई में साथ साथ में किचन में लगी हूँ, तो एक साथ सारा काम निपटा रही हूँ। और ये देखिए पत्ता गोभी, गाजर और शिमला मिर्च की सब्जी बनाई थी। आलू मैं नहीं ऐड करती हूँ, अकेले रहती हूँ तब मैं आलू नहीं डालती हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1:30 होने वाले हैं और भूख लग गई थी मुझे, और मैं टाइम से ही खाती हूँ। मेरा टाइम फिक्स होता है, सुबह 9 से 10 के बीच में ब्रेकफास्ट होता है, 1 से 2 के बीच में मेरा लंच हो जाता है, और मैं ना एक एक रोटी दोनों टाइम खाती हूँ। और मायके जाके मोटी हो गई थी थोड़ी, क्योंकि मैं खा रही थी, बाहर का भी बहुत सारा खा रही थी, भाई मुझे बहुत खिला रहा था, तो जब खा खा कर मैं मोटी हो रही थी तो बहुत से लोगों को लग रहा था कि मोटी हो गई, उसमें भी परेशानी हो रहा था कि भाई मोटी हो रही है, मोटी हो रही है। भाई मायके जाते हैं तो कौन पतला होकर आता है, मोटे होकर तो आते ही है हर कोई, अपने घर में तो डाइटिंग कर लो जो कर लो, पर मायके जा रहे हैं तो इधर की वैरायटी उधर की वैरायटी कुछ ना कुछ चखते चखते तो थोड़ा तो वेट गेन करेंगे ही। वैसे इस बार मैंने ज़्यादा वेट नहीं गेन किया, टच फूड, और मैं देखो पतला मोटा होना कोई बड़ी बात नहीं है, पतला मोटा तो मेरे हाथ में है, मैं जब चाहूँ ना तो बहुत वेट लॉस कर सकती हूँ, पर मैं कर नहीं रही हूँ। मेरे घर में भी मना कर दिया है कि इससे ज़्यादा वेट लॉस मत करो, तो एक हेल्दी वेट होना चाहिए, जो कि मेरे पास अभी जितना है वो उतना मुझे सही लगता है मेरे हिसाब से, तो बस इसलिए मैं वेट लॉस नहीं कर रही हूँ। बाकी पतला मोटा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के ओपिनियन से, मुझे जब पतला होना होगा मैं पतली हो जाऊँगी, जब मोटा होना होगा मैं मोटी हो जाऊँगी। खैर इस वीडियो को मैं अब एंड भी करने वाली हूँ, बहुत सारी बातें हो गई हैं आज। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं कि मायके से क्या क्या मिला, इतनी ठंड हो रही थी ना तो आज बनाने का सोची पर मन नहीं किया, तो नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर उसका ही आएगा, मायके से जो जो मिला है। और देखिए खाने के बाद मैं खा रही हूँ मीठा, मैं सब कुछ खाती हूँ फ्रेंड्स, फिर भी चलिए कोई नहीं, फिर इंजॉय करते हैं मीठे के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।